अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल हैरियत से होने वाले हो। अच्छा यार, आज फिर वही दीवाना मौसम बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। शाम का टाइम है, असर की नमाज अभी करीब है, होने वाली है। असर की नमाज अभी हुई नहीं है, अभी अभी हमारा पेपर एंड हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स कहना चाहूँगा। यकीन करें, आपकी जो दुआएँ वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई कर रही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पेपर आज भी हुआ, शायद सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से अच्छा हुआ। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। तो बाकी माल रोड पे इतना डिटेल व्लॉग नहीं होने वाला, ये इतने खूबसूरत किस्म के जाएंगे तो ज़रूर हम माल रोड पे, लेकिन शॉर्ट से ही दिखाएंगे। ये खूबसूरत किस्म के जो मनाजिर हैं, इनको मैं डिटेल में इंजॉय करूँगा और साथ में आप लोगों को भी इंजॉय करवाऊँगा। माल रोड पर मुश्किल ऐसा सीन देखने को मिले, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा माल रोड पर बिल्कुल भी अजीब सा मौसम था, बहुत हॉट सा वेदर था। लेकिन ये खूबसूरत किस्म के मनाजिर सिर्फ यहाँ पे ही हैं, जो कि माल रोड पे नहीं हैं। तो कल तो बहुत हॉट किस्म का वेदर था ऊपर माल रोड पे। अभी हम चल रहे हैं माल रोड पे, लेकिन मैक्सिमम जो व्लॉग का पार्ट होने वाला है ना, वो यहाँ पे इस खूबसूरती का होने वाला है, इस नेचुरल ब्यूटी का होने वाला है, इस फोगी सीज़न का होने वाला है, ना कि माल रोड का। बाकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो तकरीबन रोज़ाना की बेस पर आपको प्रोवाइड की जाती है माल रोड के रिलेटेड, वो आपको देखने को मिल जाएगी इस व्लॉग में। माशाल्लाह बहुत 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 खूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं यार। इंट्रो क्लिप जो था, जो टाइम लैप्स पे शूटेड था, उसमें आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं, और यही खूबसूरत किस्म के मनाजिर आप इस डिटेल व्लॉग में कम्प्लीटली देखने वाले हो। शायद सेकंड गियर में है बाइक अभी, और मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा माल रोड को एंजॉय कर। लेकिन यार यहाँ पे फोग कुछ कम नहीं होगी? ऐसे जैसे जैसे हम माल रोड की तरफ मूव करते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मेरी यूट्यूब फैमिली में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सो मैं उनको याद करना चाहूँगा। जैसे विक्की भाई हैं, इस तरफ बहुत बहुत हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इस फोग वगैरह को। तो मुझे भी, मैं भी आपका थैंक्स कहना चाहूँगा, आप लोगों की वजह से मुझे ये चीज़ें पसंद आनी शुरू हुई हैं, वरना पहले मुझे इनका इल्म नहीं था। हम यहाँ से गुजर तो जाते थे, लेकिन इसको हम एक्सप्लोर करते हुए इंजॉय करते हुए नहीं जाते थे। तो इसके लिए आपका थैंक्स है यार। आप लोगों को कॉन्टेंट जब से प्रोवाइड किया, तब से इन चीज़ों का पता चला, तो हम भी इसको ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ऊपर माल रोड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, फोग कम होती जा रही है। अब देखें यहाँ पे कितनी कम हो गई है, नीचे तो बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। पूरे मरी की ना ये जीका गली सबसे ठंडी जगह है, कोई भी ठंडा सीजन अगर आता है ना तो सबसे पहले यहीं पर आता है, और यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती जीका गली में। मरी के और जगहों में होती है, पंखों वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। अखरोट भाई बेच रहे हैं छिले हुए यहाँ के, यहाँ पे ना अखरोट कुछ होते हैं, बाकी कोई खास इतना फल नहीं होता। बहुत रश है यार, आगे 14 अगस्त पे तो और भी ज्यादा होने वाली है। बल्कि आपके साथ कल के व्लॉग में एक डिटेल में चीज़ भी डिस्कस हुई थी कि जो रूम यहाँ पे 6000 में मिल रहा था, बिल्कुल बोर्ड नुमाया किया गया था, तो वो बोर्ड बिल्कुल उतार दिया गया है ताकि जो है वो कोई बुकिंग ना करवा सके, क्योंकि 14 अगस्त पे ना बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं रेट्स। तो अभी तो 6000-7000 में रूम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईद पे नहीं सॉरी 14 अगस्त पर बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं रेट्स, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए तो वो बोर्ड वगैरह जो 6000 का था वो हटा दिया गया है एक वीक पहले ही, कि अब 6000 वाला सीन कोई नहीं है भाई, वो कोई और दिन थे 6000 वाले।
ऊपर तो फोग काफ़ी कम हो चुकी है माल रोड के करीब करीब, माल रोड पे पहुंचते पहुंचते शायद ख़त्म ही हो जाए, लेकिन नीचे इंतहाई ज़्यादा थी, इंतहाई ज़्यादा थी। ये मैडम क्या कहना चाह रही हैं, शायद हमें कुछ कहा है या क्या, स्टैंड तो नहीं लगा मेरा, मैं देखूं। नहीं यार स्टैंड तो नहीं लगा, यहाँ पे आगे होटल में ना 6000 में रूम इससे पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन कल से जो बोर्ड नुमाया किया गया था वो उतार दिया गया है कि अब 6000 वाले दिन नहीं है। इस 14 अगस्त के बाद रश मरी से बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर 14 अगस्त के बाद ना 6000 में देखने को मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स आज यहाँ पे भी सीन कुछ बेहतर है, लेकिन कल तो काफ़ी हॉट सा वेदर था, लेकिन उतनी फॉग नहीं है जितनी नीचे जिका गली थी। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रश कितना ज़्यादा है, आप ये देखें बहुत ही ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर जो आ गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जलील हो गए हैं, ख्वार हो गए। मैं भी कल जो है वो टिकटॉक पर, कल नहीं काफ़ी अर्सा पहले टिकटॉक पर देख रहा था, एक भाई बड़े गुस्से में कह रहे थे यार मरी आके हम लोग जलील हो गए। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक में फंसते हैं ना उनको जलालत लगती है, फिर यहाँ पे आके ऐसे फील होता है। तो ये जो भाई लोग वापस जा रहे हैं ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा वापस नहीं जाना, क्योंकि आगे कश्मीर पॉइंट पे भी जाके इसी तरह रश में फंसना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सन निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पाएगा, लेकिन वहाँ पे तो सामने इतनी फॉग थी कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। थैंक यू जी। बहुत ही ज्यादा रश है यार, इंतहाई ज्यादा रश है। वीकेंड नहीं है, देखें वीकेंड नहीं है तब इतना रश है, तो वीकेंड पे क्या होगा। वीकेंड पे क्या होगा आप सोचो यार, अभी इतना रश है तो इस तरह ना शाम में ज़्यादा रश होता है। दोपहर में अक्सर औकात हम आते हैं लेकिन दोपहर में इतना रश नहीं होता, आप दोपहर के मैक्सिमम व्लॉग्स देख रहे होते हो। तो आज हमारा ना थर्ड स्लॉट में पेपर था, तो इसलिए फिर हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो शाम में ना ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो माल रोड पर आते हैं, उससे पहले बाहर जो यूपिया नथिया गली इधर उधर मरी के करीब तरीन जो एक्टिविटीज़ हैं टूरिस्ट के लिए वहाँ पर गए होते हैं। आगे तो और भी ज्यादा रश है यार, बाइक का ये फायदा है यार, अगर गाड़ी हो तो ट्रक ही हो जाए यहाँ पे, हम तो बिल्कुल भी बोर नहीं होते। होटल हमेशा आपकी अगर अपनी गाड़ी है ना तो ऐसा चूज करें जिसमें अपना खुद का पार्किंग सिस्टम हो, जैसे ये देखें ये इसमें है अपना खुद का पार्किंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पास ही होनी चाहिए बिल्कुल पास। माल रोड की बैक साइड पे जो गर्ल्स हाई स्कूल वाला रोड है ना उस
पे बहुत सारे ऐसे होटल्स मौजूद हैं जिनका अपना पार्किंग सिस्टम है साथ में। ये भी है पार्किंग सिस्टम, ये देखिए 500 रुपये पता नहीं एक घंटे के लेते हैं, कितने चार्जेस करते हैं। होटल वाली फिर भी कुछ सस्ती होगी। अच्छा डियर फ्रेंड्स, फाइनली हम माल रोड पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो यही इतना कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा रश है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, आप देखें सामने। और वहाँ पे जो खूबसूरत किस्म के मनाजिर थे, जो फोग वगैरह थी, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। रूम रेंट हाई हो चुके हैं, 8-10 हज़ार रुपये में रूम जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, डबल बेड। और इसके अलावा अच्छा रूम अगर हम बात करें, जो स्वीट रूम है वो तकरीबन 12 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है और 15-18 हज़ार इस रेंज के अंदर जो और भी अच्छे अच्छे रूम्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म के मनाजिर थे पिछली साइड पे, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। और ये मनाजिर हैं माल रोड के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ट्रैफिक का भी हर किसी का रश है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा रश है। तो रूम रेंट वगैरह भी मैंने आपको अपडेट कर दिया, ये इस व्लॉग का मकसद था। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वो ऊंची ऊंची जगहों पे फोग है लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं है, जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोग देखने को मिली थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माल रोड पे नहीं होगी। बाकी ओपिनियंस का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, कैसी लगी एपिसोड। थैंक यू।